So you can see instant glow. So hi friends, welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा and this is my channel. So मैं फिर से बहुत दिनों बाद आई हूँ. I know मैं थोड़ा टाइम मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बिजी थी. So अब मुझे टाइम मिला है. तो इतने दिनों बाद तो मैंने सोचा कि मैं आज घर पे फेशियल करती हूँ, बहुत ही इजी पीजी. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी लोग आ सकें और ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके. सो वीडियो इतने दिनों बाद वीडियो बनाते हैं तो ऐसे भूल जाते ना, तो इट्स ओके. सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. सो तो मैंने फेशियल का सोचा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से स्क्रब और फेशियल नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं कर रही हूँ तो मैं आप अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूँ ये चीज़ कि हाउ कैन आई केयर फॉर माई स्किन. सो तो बिकॉज क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और बहुत सारी चीज़ें होती है और हम लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाते अपनी स्किन केयर के लिए. सो जो आज मैं अपना फेशियल बताने वाली हूँ वो बहुत ही इजी है, घर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है. और आप सोचोगे कि फेशियल की हमें नीड क्यों है, होती है क्योंकि स्किन की अपनी अलग ज़रूरत होती है. स्किन को भी विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं टाइम टू टाइम, तो स्किन की केयर भी बहुत ज़रूरी होती है. और जो मेरा वाला फेशियल है वो बहुत ही इजी है, आप घर पे इजीली कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना है. लेट्स गो. तो इसमें हम सबसे पहले अपने फेस पे स्टीम करेंगे. स्टीम से क्या होता है कि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और जिससे जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स लगाते हैं या फिर जो भी हम लोग स्क्रब वगैरह करते हैं वो बहुत इजीली हमारी जो डेड स्किन होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है. तो स्टीम बहुत ही मस्ट है. तो आप ऐसे स्टीमर आते हैं मार्केट में, इससे भी स्टीम ले सकते हैं. और अगर आपके पास ऐसा स्टीमर नहीं है आपके पास तो आप इजीली किसी भी कंटेनर में पानी बॉईल कीजिए एंड कोई भी कपड़े से ढक के स्टीम ले सकते हैं, वो भी बहुत इजी है. सो स्टीम क्या करता है कि जो हमारे पोर्स होते हैं उन्हें ओपन कर देता है, जिससे जो भी हमारी डेड स्किन होती है या फिर जो भी हम स्क्रबर यूज़ करते हैं वो इजीली हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है. तो मैंने स्टीम ले लिया है और मेरे पोर्स ओपन हो चुके हैं. तो अब हम लेंगे हमारा तो सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए एक बाउल और चाहिए आप कोई भी स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके अवेलेबल हो घर पे. मैं ये चावल का पिसे हुए चावल ले रही हूँ जो कि मेरे लिए स्क्रबर का काम करते हैं. मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ. एंड सेकंड वन इज़ हनी. सो जो चावल होता है उसका जो हमारी स्किन में पीएच मेंटेन करता है और जो हनी होता है, जो सेकंड हनी यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन के अंदर उसको नरिश करते हैं और नेचुरली ग्लोइंग बनाते हैं. सो हम लोग एक चम्मच हनी लेंगे. अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हम इस पेस्ट से अपने फेस पे मसाज करेंगे और अपने फेस को स्क्रब करेंगे. और अगर आपकी एक्ने पोन स्किन है तो आप इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं. सो मैंने स्क्रब कर लिया है और हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे, देन इसको वॉश कर लेंगे. सो मैंने फेस वॉश कर लिया है. सो फेस वॉश हमेशा स्टीम के बाद ठंडे पानी से ही धोना है आपको। जो नॉर्मल वाटर था वो, या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी, गर्म पानी से बिल्कुल भी मत धोइएगा। तो अब लास्ट स्टेप है फेस मास्क। तो इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच दही, जिसे कर्ड भी बोलते हैं, एंड देन हम लेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच चंदन पाउडर और हमारा फेवरेट हनी। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और एक थिक पेस्ट बना लेंगे। तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो हमारे जो एक्ने होते हैं या पिंपल्स होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, जो उनको ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से वो हीलिंग बहुत ही इजी हो जाती है। और जो चंदन पाउडर है वो हमारी स्किन को बहुत ही बेनिफिट देता है। जो चंदन होता है वो ठंडा होता है तो हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से जो हमारे एक्ने या फिर जो भी पिगमेंटेशन होती है वो कम हो जाती है। और हनी के तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, और जो कर्ड होता है इसके अंदर विटामिन C होता है जो हमारी स्किन को ब्राइट और क्लियर करता है। सो हमारा पेस्ट तैयार है, अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। मैं ज़्यादातर ये फेस मास्क अपने हाथ से लगाना प्रेफर करती हूँ। इससे क्या होता है, हम लोग ईजिली अच्छे से इसको लगा सकते हैं। ब्रश से वो इतने अच्छे से ईजिली नहीं लगता और इतने अच्छे से नहीं लगता जितना हाथ होता है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है आपको मेरे फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो दिख रहा होगा। तो आप इसको 2 वीक में 1 बार कर सकते हैं और रेगुलरली नहीं करना, वरना आप स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। सो आप इसको जैसे भी आपको मंथली करना है, मंथली, या फिर 2 वीक में 1 बार। सो अब लास्ट जो स्टेप है वो है आपको कोई भी रोज़ वाटर लेना है या फिर कोई भी आपका जो भी टोनर है उससे आपको आपके फेस पे स्प्रे करना है, ताकि जो भी आपके पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो जाए। और मैं अपने टोनर को ऐसे ही डैब डैब करके स्किन में लगाती हूँ। और जैसे ही आपकी स्किन पूरी तरह ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी डैम्प रहनी चाहिए, देन आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैं ये पोन्स का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ जो कि मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है। So you can see instant glow. ये है मेरा फेशियल रूटीन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो आने का वेट कीजिए। सो टिल देन, बाय बाय।